दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी, स्विगी, साई प्रणाम। सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी ने उद्योग बंदियों के साथ की बैठक, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। जुमे की नमाज व त्योहार के मद्देनजर शहर के प्रमुख चौराहों व संवेदनशील स्थलों पर मुस्तैद रहे पुलिस के जवान। पैसा वापस न करने पर अपहरण करने के मामले में दो शातिर सूदखोरों को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दंगाइयों से निपटने के लिए कैंप कार्यालय व पुलिस लाइन में जवानों को दिया प्रशिक्षण। वाद कार्यों व कोर्ट के कार्यों पर दीवानी न्यायालय में संगोष्ठी का हुआ आयोजन। विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग और यूजीसी एचआरडी सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में रीसेंट ट्रेंड्स इन सोशल साइंसेज प्रोस्पेक्टिव्स एंड मेथड्स अंतरविषयक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का हुआ समापन। शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने व सुरक्षा की दृष्टि से एसपी ट्रैफिक ने चलाया अभियान, दर्जनों वाहनों का किया चालान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य व निदेशक स्वास्थ्य संबंधित अधिकारियों से आरोग्य मेला, आयुष्मान भारत, संचारी रोग सहित अन्य सुविधाओं के बारे में जाना। जगह पुलिस ने दो शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव पशुधन ने संबंधित अधिकारियों और डॉक्टर से कहा बीमार पशुओं की देखभाल सही तरीके से करें जिससे उन्हें बचाया जा सके। रेस में ढंग से गायब सीआरपीएफ जवान का 55 दिन बाद मिला शव, शहीद के पैतृक गांव पहुंचा शव, बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों सहित जनप्रतिनिधियों ने दी श्रद्धांजलि। YouTube के जरिए मातृ शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रचार का प्रयास, पीएससी पर मौजूद सुविधाओं को बताएगी शॉर्ट फिल्म डेरवा। आमजन को जागरूक करने के लिए पूर्वांचल पोल्ट्री किसानों ने निःशुल्क चिकन मेले का किया आयोजन। जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने पिपराइच थाना क्षेत्र के ग्राम सभा की जमीन को अवैध कब्जेदारों से कराया मुक्त। 69वीं अंतर जनपदीय पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में बहराइच को 5-0 से रोक कर गोरखपुर की टीम पहुंची प्रतियोगिता के फाइनल में। और आज शोध छात्रों की बहाली की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर छात्रों ने किया कुलपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में उद्योग बंधुओं की समस्याओं के निराकरण के संबंध में बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे छोटे व बड़े उद्योग बंधु धरोहर हैं, इनकी चाहे छोटी या बड़ी समस्याओं का निराकरण अति शीघ्र किया जाए जिससे उद्योग बंधुओं की समस्याओं का निराकरण हो सके। मशीन कितने हैं, लागत कितने हैं, कैसे कराना, उसके ट्रेनिंग भी होगा और हैंडसन होगा, उसके बाद फिर वो मशीन कहाँ लेना है, कहाँ खरीदना है, पूरा सिखाया जाता है। गीडा के पास रहेगा सर तो उसका ज्यादा बिल। हम वही कर रहे हैं यार, वो गीडा के पास तो नहीं सर, मालिक नया एक्वायर हो रहा है पर बाहर जाना पड़ेगा सर। सर अभी अभी सर दो को मीटिंग में जा रहे हैं सर, ये साई साहब भी रहेंगे जो है और इसके सर ये डिस्कशन होना है इस पर। और ये कोई आएंगे देखने के लिए सर? वो टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आएगी जो है। अच्छा, वो आएंगे तो मैं और भी जगह दिखवा देता हूँ। तो ये भी प्रस्ताव हम भेज दे रहे हैं सर, फिर हम जो है कि सर्च करेंगे और सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये प्रस्ताव भेजिए। आप ये कुछ जगह मिले, वो कुछ भवन एवन मिलेगा, वो भी दूसरा प्रपोजल है 20,000 एक्सटेंशन सेंटर के लिए। एक्सटेंशन सेंटर के लिए जुमे की नमाज व त्योहार को देखते हुए गोरखपुर की पुलिस एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैयार है। वहीं शहर के विभिन्न चौक चौराहों व संवेदनशील स्थलों पर पुलिस ने लगातार अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार आमजन के बीच जाकर यह संदेश दे रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई अफवाह पर ध्यान ना दें, सोशल मीडिया का सावधानी से इस्तेमाल करें, आपकी सुरक्षा में जिले की पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है।
छोटा भी मिल जाए ना मेहनताना। कहाँ जाता बा? मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया, दिनों पहले जो है बाकी जगहों के कुछ हालात को देखते हुए हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। गोरखपुर पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है और यहाँ पर जितनी भी हमारी फोर्स है हम पूरी तरह से उनको तैयार किया हुआ है और इस तरह की कोई बात है नहीं फिलहाल। और गोरखपुर के लोगों ने बहुत ही पिछले कुछ महीनों से जो हालात है उसमें बहुत भाईचारे से काम लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही गुजारिश करूंगा, जो भी कानून हाथ में लेगा उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी अतिरिक्त बल भी है, पुलिस बल के अलावा पीएसी भी है हमारे पास, होमगार्ड्स के जवान भी हैं और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं हमारे सर्विलांस की ड्यूटी है, सादी वर्दी में लोग तैनात हैं, विभिन्न चौराहों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट जनरल मजिस्ट्रेट्स ड्यूटी पर लगे हुए हैं और कल रिहर्सल भी हुई है, एक फ्लैग मार्च भी किया है हमने और फिलहाल कोई ऐसी सूचना भी नहीं है। हमने अपनी तैयारियां दुरुस्त रखी हैं और लोगों से यही गुजारिश है अफवाहों पर ध्यान मत दें, यदि कोई इस तरह की गड़बड़ करता पाया जाए तुरंत पुलिस को इत्तला करें, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूद का पैसा न देने पर अपहरण करने वाले दो सूदखोरों बांसगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले दयाशंकर सिंह व नीरज सिंह को पीड़ित की पत्नी के तहरीर पर कार्रवाई करते हुए रामगढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया। कैंट क्षेत्राधिकारी सुमित शुक्ला ने काली मंदिर स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता के माध्यम से घटना का खुलासा करते हुए बताया। कौन दरें इनकी चलती है कोई जान नहीं सकता है। परसेंट लेते हैं? क्या परसेंट लेते हैं? 10% इतना में 10 है और कहानी बना के तुम्हें बता रहा हूँ, सामने बोल रहा हूँ। अब तो पुलिस वहाँ जा रही, तुमको साला वहाँ सब बोल बरामद करके ला रहे हैं। उधर मिश्रा हैं, ये रहने वाले हैं बांसगांव थाना क्षेत्र के, वहीं पे दो लोग और थे, इनसे इन्होंने 3 लाख रुपए आज से कुछ वर्ष पूर्व लिया था। ये सूदखोरी पे पैसा, जो विपक्षी हैं सूदखोरी पैसा देते थे, इनका कहना था 3 लाख के 5 लाख रुपए हम दे चुके थे, उसके बाद ये 6 लाख रुपए और डिमांड कर रहे थे। इसी बात को लेकर कल ये दो लोग, ये उधर मिश्रा यहाँ सफाई कर्मी हैं और किराए के मकान पे राम यहाँ पे हमारे रामगढ़ थाना क्षेत्र में किराए पे रहते हैं। कल ये लोग इनके बाप पिता पुत्र दोनों लोग आए और एक गुंडाई के बल पे इन दोनों लोगों का अपहरण करके अपने घर लिए गए और इनके घरवालों को सूचना दी कि अगर आप 6 लाख का चेक नहीं देंगे तो इनको मार देंगे। इनकी पत्नी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, इंस्पेक्टर रामगढ़ ताल के नेतृत्व में तुरंत ही टीम एक्टिव हुई और इनको उन्हीं के गाँव के बाहर से मतलब अपराध को भी बरामद किया गया, साथ ही इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। जिस गाड़ी से लोग अपहरण करके ले गए वो गाड़ी भी बरामद की गई। गांव में जो बात की गई पता चला है इनका मुख्य काम सूदखोरी पैसा देना है, उठपटांग दरों पे पैसा देते हैं, फिर जैसे जितना पैसा ले लिया उसे दिमाग और बढ़ाना। आम सोहरत इनकी बांसगांव थाना क्षेत्र में कल यही प्राप्त हुई है, अभी इनके मुकदमे के बारे में और पता किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा कैंप कार्यालय व पुलिस लाइन गोरखपुर में दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस के जवानों को प्रशिक्षण दिया गया एवं ब्रीफ कर जवानों को उचित दिशा निर्देश दिया गया। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ये 3 पार्टी तो मदरसा चौक, घोष कंपनी और कंपनी।
मदरसा चौराहा तो घंटा घर और मदरसा चौक पे एक जना रह जाए और एक जना इधर आ जाए, फिर आप बाकी लोग पार्टियों को आप इस पर आप लोग हम बताएंगे तो बता दीजिएगा। ठीक है, भीड़ में घूम के फंस गए, फिर और फोर्स आएगी देखा जाएगा, या भीड़ भगाते हुए ऐसे करके हम लोग भागते हुए चले जाते हैं, रोड क्लियर करते हुए चले जाते हैं। गाड़ियों की भी लोकेशन ऐसे ही रहेगी, ठीक है, गाड़ियों की लोकेशन रहती है, इको वन मेरे आगे चलता है, 2-3 मेरे पीछे चलती है, लेकिन जैसे ही हम पैदल चलते हैं तो ऐसे चल जाता है। कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, आप लोग तो पुराने माहिर आदमी, जिगे नहीं छोड़ना, बस कुछ भी हो जहाँ भेजा जाए वहाँ जिगे नहीं छोड़ना, हटना नहीं वहाँ से। और ये इंचार्ज लोग भी हेलमेट पहन लें, हालांकि कोई इनपुट नहीं है, लेकिन जैसा आप दीवानी न्यायालय सभागार में रोल ऑफ लीगल फ्रॉटेंटी इन वर्किंग ऑफ कोर्ट विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस वीएस चौहान का स्वागत जनपद न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा व न्यायिक अधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ देकर किया गया। इस संगोष्ठी में कोर्ट के कार्यों व वादकारियों के कार्यों पर चर्चा की गई, जिससे न्यायपालिका का लाभ उसी वर्ग के लोग उठा पाए। कार्यक्रम का संचालन अनूप पांडे ने किया। इस मौके पर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष वीरेंद्र शाही, मंत्री अजय शुक्ला, मधुसूदन त्रिपाठी व न्यायाधीश मौजूद रहे। हरि ओम मा जगने न जगे मयंदरे वदानि धमाणि दतमान्या जन्न देहनाका महिमानहागरान्द्रजत्र पूर्वे साध्याः गान्ति देवाः गन्ति पुष्पाणि जदा कालो वारिज पुष्पाञ्जलिर्व्याला परमेश्वर सर इसी क्रम में हमारे अध्यक्ष संस्थान श्री अशोक नारायण दुबे से मैं निवेदन करता हूँ। अरे सामने सर थोड़ा साइड हो जाए, आज की स्थिति हम देख रहे हैं हमारे responsibility to decide the cases and they had always been
easily. But when we talk of fraternity, the word fraternity is very, very important for why we are concerned, because it comes within the in the preamble of the constitution. Our constitution starts with that. This fraternity has been taken from the press. My journey as a student of law, as a lawyer, as a judge, had been in heaven. Never satisfactory, no job satisfaction. I was a first generation lawyer. I did not know how to return to the court, where to go, how to start. I was always scared entering into the court. But by the grace of God, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में समाज शास्त्र विभाग और यूजीसी एचआरडी सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में रीसेंट ट्रेंड्स इन सोशल साइंसेज पर्सपेक्टिव्स एंड मेथड्स विषय पर चल रहे 14 दिवसीय अंतर विषय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का समापन सत्र विश्वविद्यालय के यूजीसी सभागार में सम्पन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने की। इस मौके पर कला संकाय के प्रोफेसर डीएन यादव, यूजीसी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर के प्रोफेसर हिमांशु पांडे, प्रोफेसर मानवेंद्र प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनीष कुमार पांडे, शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, प्रोफेसर राम प्रकाश सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जितने भी जो फोटोग्राफर्स होते हैं ना, किसी को कमी नहीं जा सकते। नहीं सर। पचास से ज्यादा पीएचडी आपने कंडक्ट करा, सर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम को के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यूजीसी एचआरडी सेंटर के कुलार्पण कर स्वागत करें। आप माननीय सचिव जी का अनुभव प्रदान कर स्वागत हाथों से प्रसारण करें। एवं समाज शास्त्र विभाग और यूजीसी एचआरडी सेंटर की तरफ से एक स्मृति चिन्ह भी माननीय कुलपति जी को आप प्रदान करेंगे। शहर के प्रमुख चौराहों पर आए दिन लगने वाले जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यातायात विभाग प्रयासरत है। इसी क्रम में एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने सुरक्षा और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए शास्त्री चौक और जिला अस्पताल से आने वाले एम्बुलेंसों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर स्थानीय दुकानदारों से बातचीत कर उन्हें समझाया गया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में अपना अमूल्य सहयोग दें। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर दो पहिया व चार पहिया वाहनों की चेकिंग भी की गई। बिना हेलमेट, बिना कागज और बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चला रहे वाहन स्वामियों का चालान भी काटा गया। इस मौके पर नगर निगम चौक की प्रभारी अरविंद कुमार राय, ट्रैफिक विभाग के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। धीरे से आगे ले चल पड़े उधर लो। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया, ये एक्चुअली शास्त्री चौराहे पर जो उल्टी दिशा से घुसने कारण और इधर से अस्पताल की तरफ से लोग निकलते थे,
और उल्टी दिशा से घुस के जाते थे, वो पूरा शास्त्री चौराहा घूम के नहीं आते थे, इसके कारण यहाँ पे जाम लगता था। इस जाम को देखते हुए कि ये जाम ना लगे, ये हम लोगों द्वारा आज नया प्रयोग किया गया है, और अगर जनता सहयोग देगी तो शास्त्री चौराहे पर कभी जाम नहीं लगेगा। बिल्कुल, जो इस प्रकार के जो नियमों का उल्लंघन करेगा, हमारे जो बनाए गए जो रास्ते उनका उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे, चालान करेंगे। सर और भी चौराहे से हैं जहाँ पे, वहाँ पर भी हम लोग डायग्नोज कर रहे हैं कि क्या हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं। लखनऊ से प्रमुख सचिव स्वास्थ्य व निदेशक स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर NIC सभागार में संबंधित अधिकारियों व डॉक्टरों से विस्तार पूर्वक आरोग्य मेला, आयुष्मान भारत, संचारी रोग नियंत्रण, MDA TB की रोकथाम, JE टीकाकरण, कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु क्या व्यवस्थाएं की गई है, सभी से विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर जनांदर मणि त्रिपाठी, CMO डॉक्टर SK तिवारी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। तो इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी सी में हो रहा है, परंतु हमको कैटेगरी B1 और B2 में टेमीफ्लू पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए देना है, और पॉजिटिव जो केस आएगा उस केस के घर पे हमारी RRT आइसोलेशन वार्ड में काम करेंगे या पैथोलॉजी में काम करेंगे, या आपके RRT टीम के सदस्य है, या आपके एम्बुलेंस का चालक दल है, इन सबका टीकाकरण कराना सुनिश्चित करिए। अभी वक्त ही छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा पूरी बन रही है, साथ में क्या खाओगे? आलू छोले। आलू इस घर में मेरी वैल्यू तो थैंक यू। छोले घर का खाना, साथ में थोड़ा स्विगी, ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। आइए फ्री एंटरटेनमेंट का महीना D2H के साथ। अगर 30 सितंबर के पहले से आपका सेट टॉप बॉक्स बंद पड़ा है तो मिस्ड कॉल दीजिए और पाइए वेलकम बैक ऑफर, प्रतिदिन फॉर ₹1, ₹2 या ₹3 और पूरे महीने का प्रीव्यू फ्री। ₹1 प्रतिदिन में पाइए 201 चैनल्स, ₹2 प्रतिदिन में पाइए 217 चैनल्स, ₹3 प्रतिदिन में पाइए 235 चैनल्स। तो देर किस बात की, D2H अलग ही व्यू। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमाने की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमाने का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की सघन अभियान चलाकर गिरफ्तारी करने हेतु दिए गए निर्देश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष जगनाहा द्वारा गठित टीम ने सघन चेकिंग अभियान के दौरान 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। क्या नाम है? पिता का नाम? जिलाधिकारी के विजयन पांडेन के निर्देश पर जॉइंट मैजिस्ट्रेट SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल के निर्देशन में पिपराइच थाना क्षेत्र के ग्राम सभा में नायब तहसीलदार सुमित कुमार सिंह व राजस्व विभाग की टीम द्वारा अवैध कब्जेदारों से जमीन खाली कराया गया। इस मौके पर पिपराइच पुलिस मौजूद रही।
प्रमुख सचिव पशुधन भुवनेश्वर कुमार लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर NIC सभागार में संबंधित अधिकारियों व डॉक्टरों से कहा कि पशु चिकित्सा अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी अपने अस्पताल में पशुओं के देखभाल सही तरीके से करें, जिससे बीमार पशुओं को बचाया जा सके। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर पशुपालन डॉक्टर TP मिश्रा, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DK शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 230 के अगेंस्ट फरवरी का 130 में इंसॉल्ट जी सर 100 होने कितने इतने ही होने थे इंसॉल्ट होने कितने थे आपके सर इनका 51% है 60% बना था टोटल 100 मतलब 6 लीटर लिखा है रील को सुपर मेडिकल को सर अभी रील के इंजीनियर वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे अभी भी सर बहराइच और श्रावस्ती के लिए करीब 10 दिन से उनका स्टाफ गायब है नहीं आ रहा है सर सर हमारे 128 DPM आए थे जिसमें सर 74 हमारे बैठ के बताइए सर 74 लग गए हैं जिसमें 42 बन लाइन चौरी चौरा के गौनर गांव में शहीद CRPF जवान धर्मदेव पासवान का पार्थिव शरीर शुक्रवार को पैतृक गांव पहुंचा, जहां जनप्रतिनिधियों सहित अन्य लोगों ने बड़ी संख्या में शहीद को श्रद्धांजलि दी। CRPF धर्मेंद्र पासवान ड्यूटी पर ही उड़ीसा में अपने हेडक्वार्टर से रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे। 55 दिन बाद रामगढ़ा स्थित CRPF के हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जवान का शव झाड़ियों में मिला था। जवान की नक्सलियों द्वारा हत्या किए जाने की संभावना है। शहीद का शव चौरी चौरा में पहुंचते ही राजनीतिक दलों के साथ साथ स्थानीय जनता व शासन प्रशासन के लोग पीड़ित परिवार के लोगों से मिलकर सांत्वना दिए। इस मौके पर सांसद कमलेश पासवान, विधायक संगीता यादव, SDM अर्पित गुप्ता, CEO रचना मिश्रा, इंस्पेक्टर राजू सिंह, पूर्व प्रमुख ईश्वर चंद जायसवाल, चरगावा प्रमुख सुनील पासवान सहित सैकड़ों क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC शेरी में सबसे पहले नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रमाणन पाने वाली डेरवा PHC पर स्वास्थ्य विभाग ने शॉर्ट फिल्म तैयार करवाया है। यह फिल्म न केवल डेरवा में मौजूद सुविधाओं के बारे में बताएगी, बल्कि इसके जरिए PHC पर मौजूद सभी सुविधाओं के बारे में जाना जा सकता है। फिल्म का प्रीमियर डेरवा PHC को इनक्वास दिलवाने में योगदान देने वाले 126 नायकों के सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर जनार्दन मणि त्रिपाठी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने फिल्म देखा और 126 नायकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर अमित शाही, यूनिसेफ से दिलीप गोविंद राव, ADMO राजेश, स्वास्थ्य विभाग से धर्मवीर, अमरनाथ जायसवाल, बदरे आलम सहित कुल 126 लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इंचार्ज बनाते कि आपको OPD पर पूरा कार्य कंप्लीट करना है तो डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता से उनके लेफ्ट हैंड चाहिए, राइट हैंड अगर बताना समझते थे तो लेफ्ट हैंड थे, दोनों ने मिलकर ये अपने राम के हनुमान है, हर पल इनको आदेश मिलता था और ये हर काम को सफल नहीं हो पाए थे। तो उस वक्त हमारे साथ आए श्री सतवत त्रिपाठी जी जो कि डॉक्टर साहब के पिताजी हैं, उन्होंने उस गीजर को डोनेट किया हॉस्पिटल के लिए, आज वो लेबर रूम में गीजर लगा हुआ है। इनके द्वारा वहां पे जो भी बैठने की व्यवस्था है लगवाई गई है, शेड लगवाया गया है, लेबर रूम और वार्ड के बीच में कनेक्शन नहीं था, वहां पे शेड ऊपर लगवाया गया, तो बहुत ही एक्टिविटीज में इनके द्वारा सहयोग किया गया है। वहां पे माननीय प्रमुख जी जो है आज उपस्थित नहीं हो पाए किसी कार्यक्रम की वजह। अस्पताल
इधर उधर देखने की और ना ही किसी से कुछ पूछने की जरूरत है। देखो वहाँ सामने सब लिखा है। पूर्वांचल पोल्ट्री किसान के तत्वावधान में चिकन मेले का आयोजन रेलवे स्टेशन रोड स्थित पीआरकेएस कार्यालय पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों सहित यात्रियों ने निशुल्क चिकन का आनंद लिया। इस मेले के माध्यम से पोल्ट्री किसान व मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आमजन को जागरूक कर रहे हैं कि चिकन में किसी भी प्रकार का कोई वायरस नहीं है और ये प्रोटीन से भरा हुआ खाद्य पदार्थ है। इसके खाने से कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। इस मौके पर संगठन के उपाध्यक्ष जुनेद तेजा सिंह, संरक्षक डॉक्टर अजय रावत, मंत्री मनीष राजू सिंह व कोषाध्यक्ष सैफुद्दीन प्रमुख रूप से मौजूद रहे। होती है और प्रोटीन का जो मुर्गी का मांस और अंडे, इससे बढ़िया कोई सोर्स प्रोटीन का हमारे शरीर के लिए नहीं है। निश्चित रूप से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो एक बीमारी नहीं सैकड़ों बीमारी हमारे शरीर से दूर रहेगी। और उसको स्वस्थ रखने के लिए संतुलित पशु संतुलित आहार जो है, संतुलित भोजन हमें खाना बहुत आवश्यक है, जिसमें मुर्गी के मीट की बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है हमारे शरीर के लिए। और इस उद्योग से ये तो हमारे शरीर के लिए व्यक्तिगत जरूरत है, हमारे समाज के लिए भी, हमारे देश के लिए कितना रोजगार, कितने परिवार हमारे इससे पल रहे हैं, कितने रोजगार, कितने लोग इससे लगे हुए हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डी के वर्मा व पूर्वांचल पोल्ट्री किसान संगठन के अध्यक्ष आत्रेय सिंह ने बताया, इसकी खासियत यही है कि जो पड़ोस के देश हमारे चीन में कोरोना वायरस का इफेक्ट हो रहा है, लोगों में इसके प्रति जो भ्रांतियां हो रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये मेले का आयोजन किया गया है यहाँ के व्यवसायियों के द्वारा। और ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है ताकि लोग इसका इस्तेमाल जैसा पहले करते रहे हैं वैसे ही आगे भी करते रहें। इसका उद्देश्य उसका ब्रीफ एक कोरोना वायरस का इफेक्ट उसमें उससे बिल्कुल नहीं होता है। ये इसके लिए भारत सरकार के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की जा चुकी है कि कोरोना वायरस का इफेक्ट मुर्गी के मांस खाने से बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है कि वायरस जो होता है ससेप्टिबल होता है बहुत ज़्यादा हीट के, और इसको 99% लोग बॉइल करके ही खाते हैं। बॉइल होने के बाद वायरस का इफेक्ट बिल्कुल 100% खत्म हो जाता है और वैसे भी इसके बीच में कोई इसका इफेक्ट नहीं होता है। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को जानकारी हो कि जो ये हमारा चिकन है वो स्वस्थ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है और सस्ता भी है। जी जी, धंधा तो डाउन हो गया काफ़ी, उसमें तो कोई निसंदेह है। केवल अफवाह, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, केवल अफवाह है। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे गोरखपुर जोन के 69वीं अंतर जनपदीय पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल मैच में गोरखपुर और बहराइच के बीच खेला गया, जिसमें गोरखपुर की टीम ने बहराइच को 5-0 से रौंद कर फाइनल में प्रवेश किया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गोरखपुर फुटबॉल टीम के मैनेजर नंद जी यादव ने बताया, फुटबॉल का 69वां पुलिस प्रतियोगिता फुटबॉल का है, इसमें आज पहला सेमीफाइनल गोरखपुर और जो है ये बहराइच के बीच खेला गया, जिसमें हमारी टीम गोरखपुर की 0-5 से विजयी रही है। और दूसरा सेमीफाइनल मैच देवरिया और ये संत कबीर नगर के बीच खेला जा रहा है। फाइनल कल शाम को है।
तीन बजे से कितनी टीम इसमें। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में शोध के 8 छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हटाए जाने के विरोध में विश्वविद्यालय के छात्रों ने बहाली की मांग करते हुए विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर कुलपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं छात्रों का समूह कुलपति कार्यालय पर पहुंचकर कुलपति को ज्ञापन सौंपकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की। क्राइटेरिया में जितने लोग हैं उनको हटाया भी जाए, अगर नहीं होता है तो सबका हटाया भी जाए, अगर नहीं होता तो सबका निरस्त कर दिया जाए, सबका निरस्त किया जाए। सर क्यों नहीं, सर सर जो प्रोफेसर प्रोफेसर सर जो है बिना परीक्षा के इंटरव्यू पे प्रोफेसर बन जा रहे, हम लोग तो परीक्षा दे के इंटरव्यू देके पीएचडी नहीं कर पा रहे, यहाँ पे नियुक्ति में सर हुआ नहीं है सर, बिना परीक्षा के इंटरव्यू के बेस पे ना हुआ सर, सबका हम लोग दिए हैं रिजल्ट, उन्हीं बच्चों के साथ इन लोगों का भी भला हो जाए सर, यही नहीं बता रहा सर, बार बार हम मिल रहे हैं सर, मिल रहा हूँ, छात्राओं के पक्ष में रहे, हमारे लिए कोई अंतर नहीं है जी। तो सर इसमें सर सुजीवन के संवाददाता से बात करते हुए छात्र नेता कमलेश यादव ने बताया, आज हम लोग 6 साल पहले बंद था रिट का एग्जाम, 6 साल पहले बहाल हुआ था प्रोटेस्ट के माध्यम, हम लोग बहाल कराए थे, और पीएचडी में आज 8 छात्र ऐसे हैं जिनका फीस जमा हो गया, 4 महीने से क्लास कर रहे हैं, उनको आज बाहर किया जा रहा है। और ये कुलपति जी से हम लोगों की आज मांग है ये कि जो लोग 8 बच्चे जो रिसर्च स्कॉलर हैं तमाम विभागों के, उनको रखा जाए, क्योंकि सेम क्राइटेरिया सेम रूल में इसी सेम रूल के आधार पे कुछ ऐसे छात्र हैं जो पीएचडी यहाँ पे कर रहे हैं, तो इन 8 छात्रों को क्यों बाहर किया जा रहा है, इसका जवाब कुलपति जी दें। दिन में बस इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, साईं प्रणाम।